चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ए एफ एम सी यानी आर्मड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में एम बी बी एस सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू और टोलेर टेस्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेडिकल में क्या होता है इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों अगर आपका सपना भी ए एफ एम सी से एम बी बी एस करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों ए एफ एम सी इंडिया का सेकेंड रैंकिंग का मेडिकल कॉलेज है यानी एम्स दिल्ली के बाद स्टूडेंट इसी को लाइक करते हैं नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद आपको ए एफ एम सी के लिए भी एम सी सी की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा ए एफ एम सी के साथ साथ आप बाकी कॉलेज में भी काउंसलिंग के लिए एम सी सी की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं ए एफ एम सी के लिए आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं करनी होगी अभी एम के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट से पहले ए द्वारा अप्रोक्स वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी कैंडिडेट की एक लिस्ट पब्लिस की जाएगी जिसमें आपने अपना नाम चेक कर लेना है ये लिस्ट ए की वेबसाइट पर जारी की जाएगी जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल दिया होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आपको इसमें टोलेर टेस्ट मेडिकल और इंटरव्यू होगा इस टेस्ट में और ये स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीसी के सेकेंड राउंड और स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से पहले पहले हो जाता है और इसका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाता है जिससे जिस, जिस स्टूडेंट का ए में सिलेक्शन नहीं हुआ वो ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकता है इसमें सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाती है ताकि कोई कैंडिडेट इसमें काउंसलिंग और होने से पहले या ए एफ एम सी में सिलेक्शन के सात दिन तक कोई अगर इसमें सीट रिजाइन करना चाहता है तो वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को कॉल किया जा सकता है अभी जितने भी कैंडिडेट ए एफ एम सी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी कैंडिडेट तक जितने भी कैंडिडेट रहते हैं उनकी एक कट ऑफ हो जाती है 2020 की बात करें तो ये बॉयज़ के लिए 618 मार्क्स थी और गर्ल्स के लिए 637 मार्क्स रही थी क्योंकि इसमें गर्ल्स की टोटल 30 सीट्स ही हैं अभी ए की वेबसाइट पर पब्लिश जो स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल है उसके मुताबिक आपको पुणे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना होगा आप अपने पेरेंट्स को भी साथ ले जा सकते हैं मैं भी अपने बच्चे के साथ वहां जाकर आया था स्क्रीनिंग टेस्ट सुबह जल्दी सात बजे नियर बाय स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले वहाँ आपको कुछ फॉर्म्स मिलेंगे वो फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे इसमें आपके इनिशियली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे उसके बाद होगा आपका टोले टेस्ट जो एटी मार्क्स का होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसमें टोटल फोर्टी एम सी क्यूज आएंगे हर एक क्वेश्चन है वो टू मार्क्स का होगा इस प्रकार से ये एट्टी मार्क्स का टोले टेस्ट होगा अब हम बात करेंगे कि इस टोले टेस्ट में क्या सवाल पूछे जाएंगे तो दोस्तों ये टेस्ट आपका इंग्लिश नॉलेज चेक करने के लिए लिया जाता है इसमें टेंथ स्टैंडर्ड तक के या फिर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फिल इन ब्लैंक्स होंगे उसमें कुछ वर्ड के इसमें मीनिंग्स आपसे पूछे जाएंगे तो इस प्रकार का ये टेस्ट होगा इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं यानी कि जो आपने टेंथ के इंग्लिश पेपर में किया है वही सब कुछ इसमें होता है इसके बाद में इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसे पीएटी कहा जाता है यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इसमें मार्क्स तो सिलेक्शन में नहीं ऐड होते हैं मगर ये थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड भी होता है इसमें आपको इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है ये इसमें सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं अब ये जो टोलेट टेस्ट होता है वो सी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और इसमें ये एट्टी मार्क्स का होता है जो आपका टोटल सेवन ट्वेंटी टू सॉरी सेवन ट्वेंटी मार्क्स का नीट का स्कोर होता है उसमें ये एट्टी मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके एट हंड्रेड हो गए इस एग्ज़ाम के लिए अब इस मैक्सिमम मार्क्स एट हंड्रेड में इसको फोर से डिवाइड करके मैक्सिमम मार्क्स टू हंड्रेड रख लिया जाता है और जो आपके नीट के ओपटेन मार्क्स हैं और जो आपके टोलेर टेस्ट के ओपटेन मार्क्स हैं उनको जोड़ करके उसमें भी फोर से डिवाइड कर लिया जाता है यानी कि आपके टू हंड्रेड में से जो स्कोर बनता है आपने गेन किया है टोलेर में और नीट में उनको जोड़ के उसके बाद में मेरिट तैयार कर ली जाती है उसके बाद होता है मेडिकल तो दोस्तों मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट चेस्ट एक्सरे हाइट वेट इत्यादि की जांच होती है और उसके बाद होता है इंटरव्यू तो इंटरव्यू एएफएमसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए ये फिफ्टी मार्क्स का इंटरव्यू होता है अब हम बात करेंगे कि इस इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें डिफेंस ऑफिसर का सेवन मेंबर्स का एक बोर्ड होता है इसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी सभी के ऑफिसर्स द्वारा ये इंटरव्यू लिया जाता है जो एक बड़े हॉल में होता है इसमें इस बोर्ड के सामने आपको बिठाया जाता है इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो नॉर्मली होते हैं मगर ये चेक किया जाता है कि आप कितने हाजिर जवाब हैं इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी चेक की जाती है आपने अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो आप उससे कितना गलत मानते हैं या फिर मानते हैं या नहीं मानते हैं आपका कॉन्फिडेंस कितना है ये सब इस टेस्ट में चेक किया जाता है आपसे जब स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हुआ था उससे पहले कुछ फॉर्म भरवाए गए थे उसमें आपकी हॉबीज़ वगैरह के बारे में पूछा गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे तो ये इसी के रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है आपने कहाँ स्टडी की है वहाँ का क्या फेमस है तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसके अलावा जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिकॉर्ड इनके पास होता है जो उसमें आपने आंसर दिए थे उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट से पूछा जाता है वो ये है कि आप ए एफ एम सी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें सभी स्टूडेंट अपना अपना अलग अलग व्यू देते हैं तो ये इंटरव्यू आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं इसमें देखने वाली बात यह है कि इंटरव्यू देते समय आप घबराएं नहीं जो क्वेश्चन आता है उसका सही रिप्लाई दें दूसरी बात यह है कि आप झूठ नहीं बोलें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो या फिर आपने गलत उसका जवाब दे दिया है तो उसको आप एडमिट कर लें कि इस आंसर का मैंने गलत जवाब दिया है तो इस प्रकार से आपका इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा आपका अगर ए में सिलेक्शन होता है तो ठीक है नहीं तो आप बाकी एम और स्टेट काउंसलिंग के लिए भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं अभी एफएमसी एफ़ के लिए तैयारी कैसे करें तो दोस्तों नीट एग्जाम तक आप नीट की तैयारी करें जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको तकरीबन वन एंड हाफ मंथ का टाइम मिलेगा इस डेढ़ महीने के टाइम में आप टोले टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं इसमें आप अरियंत पब्लिकेशन की इंग्लिश ग्रामर की बुक के से भी तैयारी कर सकते हैं या फिर अपने टेंथ की इंग्लिश बुक से भी पैराग्राफ वर्ड इस प्रकार की आप तैयारी कर सकते हैं इसमें इंटरव्यू के लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है वो तो अपने विवेक से आप इंटरव्यू दें तो ये जानकारी थी एम्स एफ एम सी में सिलेक्शन के बारे में प्रोसेस आपको नीट रिजल्ट के बाद में बता दिया जाएगा इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है अभी आप नीट में अच्छा स्कोर लाएं ताकि ए एफ एम सी में सिलेक्शन के लिए और भी चांस बढ़ जाएं तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस थे टोलेर टेस्ट में किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है क्या है इसका प्रोसीजर ये मैंने आपको बताया है बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ इसमें कितनी सैलरी मिलती है क्या इसका प्रोसीजर है पीजी के लिए कैसे कैसे करना है आपको इसका अलग से वीडियो बना दिया है आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा J.